मैं आपका खबरी लाल मोमो बाबा हाजिर हूँ खबर लेकर। अभी ये नाम कैसे पड़ा इसकी डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे, पहले रुक करते हैं सुर्खियों की तरफ। हमारे यूपी में एक टीचर ऐसी मिली जो 25 स्कूलों में एक साथ नौकरी करती थी, तो अब उस पर जांच बैठा दी गई है। तो मेरा कहना ये है कि जब मास्टर पढ़ाया नहीं तब भी तुम लोगों के पेट में दर्द होता है, और जब 25-25 स्कूलों में जिम्मा संभाल रही है अकेली वीरांगना तब भी तुम लोग काक पाद रहे हुए हैं। अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हम तो इतना ही कहेंगे कि भैया इतना टैलेंट तो हम यूपी और बिहार वालों में है, इसीलिए देखकर जलते हैं सब लोग। दूसरी बड़ी खबर ये कि यूपी शिक्षक भर्ती में टॉप करने वाले भैया भर भर के नंबर पाए हैं और बंदा राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाया। तो सब मीडिया वाले अखबार वाले से लेके परचून वाले तक उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए कि भैया इसको तो राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, ये पास कैसे हो गया। तो हो सकता है कि भाई राष्ट्रपति सम्मानित व्यक्ति होते हैं इसलिए बंदा नाम नहीं लेना चाहता हो, अब समझ रहे ना आप लोग। वैसे भी हमारे योगी जी की सरकार में हुई परीक्षा पे सवाल उठाना गलत है भाई, शक कैसे कर सकते हो यार। अगली बात ये कि कड़ी निंद्रा मंत्री, मतलब क्या बताएं, समझ तो गए होगे ना, माँ बाप बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग, उनको बेमतलब लोग परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चीन देश में घुसा आ रहा है, चुपचाप बैठे हो। अरे भाई अगला आदमी दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देता है, पाकिस्तान तक ठीक था उसको हिंदी आती थी, अब चाइना को हिंदी में शायरी थोड़ी ना समझ में आएगी, तो उसके लिए मैंडरिन सीखनी पड़ेगी ना। और WHO वाले रोज नए नए अनाउंस करते रहते हैं, कभी ये ठीक कभी वो ठीक, कभी ये करो कभी वो ना करो, आज कह रहे हैं कि हालत बिगड़ती जा रही है। भैया क्या कहना चाहते हो, फिर से कैद हो जाएं हम लोग अपने घरों में? हमको देखो बता दिया गया है कि यहाँ सब चंगा से, क्योंकि हम लोगों से एक बार बता दी कोरोना से अब तुम लोग खुद लड़ो, हम लोग अब चुनाव लड़ेंगे, अब अकेली सरकार भी बताओ क्या क्या करे। उधर अमित शाह ने कहा है कि शास्त्री जी के बाद मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उनकी एक पुकार पर पूरा देश एकजुट हो जाता है। तो भैया हम एकदम सहमत हैं, एक पुकार पर IT सेल पूरा एकजुट हो जाता है, फिर चाहे चाइना का बायकॉट करना हो या नेहरू की कोई फोटो वायरल करनी हो। शास्त्री जी ने एक बार रेल दुर्घटना में इस्तीफा दे दिया था, यहाँ तो कितने मजदूर ट्रेन से मर गए, रोड पे मर गए, लेकिन देशवासियों ने मोदी जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। लोकप्रिय तो हैं मोदी जी। खैर जिस हिसाब से बबीता फोगाट इधर ट्वीट कर रही हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जल्दी ही उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। बाकी हमको तो उनकी पिक्चर ज़्यादा बढ़िया लगी थी, असल में तो मेड इन चाइना वो निकली। खैर चलते चलते बाबा सहगल के सुविचार से हम खत्म करेंगे कि दुनिया बड़ी कमीनी है, लाइफ तो फिर भी जीनी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए राम राम। और वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब उसक्राइब बढ़वा।